नांदेड येथील सचखंड गुरुद्वारामध्ये कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे. गुरुद्वारा प्रशासनाने 400 लिटर सॅनिटायझर उपलब्ध करून येणाऱ्या भाविकांना सुरक्षेची काळजी घेत आहे. तसेच या गुरुद्वारा दर्शनासाठी इतर राज्यातूनही लोक येतात, त्यामुळे सुरक्षेची व कोरोना व्हायरसपासून बचावासाठी गुरुद्वारा प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असल्याची माहिती गुरुद्वारा प्रशासनाकडून माहिती देण्यात आली. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. सन्मानीय साध संगत जी, गुरुद्वारा तख्त सतखंड श्री हजूर साहब की तरफ से यहाँ पे जो 24 घंटा हमारा गुरुद्वारे में पूजा पाठ चलता है, यात्रु श्रद्धालु अपनी मन्नत मान के लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए देश विदेश से आते हैं. ये कोरोना के जो वायरस फैला हुआ है उसके लिए भी यहाँ पे माथा टेकने आ रहे हैं. गुरुद्वारा बोर्ड जो है पूरी तरीके सुचारू रूप से जितने कोरोना वायरस के मेजर स्टेप्स उठाने हैं वो जिलाधिकारी साहब के जो परसों मीटिंग सुबह 10 बजे हुई उसके मुताबिक पूरे ले रहा है. जो गुरुद्वारा बोर्ड की तरफ से हमारे 5 प्यारे साहबान प्रधान साहब, मिनहाज साहब, नीत प्रधान जी, साहब गुरिंदर सिंह जी बाबा और रविंदर सिंह जी बुंगई, पूरा स्टाफ मेंबर और जो दूसरे मेंबर भी हैं वो भी पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन इस कोरोना के चक्कर में ले रहे हैं, ताकि जो किसी प्रकार की कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आए. जो हमारा गुरुद्वारा बोर्ड की तरफ से ITI खालसा स्कूल, खालसा प्राइमरी स्कूल, खालसा मराठी स्कूल, सिख हॉस्टल, लेजर शो, म्यूजियम, धर्म प्रचार सेंटर है, सीमन क्लासेस हैं, वो सबने हमें परसों से जिलाधिकारी के आदेश अनुसार हमने बंद कर दी हैं. जिलाधिकारी साहब ने और भी जो प्रिकॉशन मेजर बताए थे वो हम यहाँ पर पूरे ले रहे हैं. प्रधान साहब ने हमें कल 400 लीटर जो है सैनिटाइजर, तान जो यहाँ पे किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो वो उनके हाथों पे लगाने के लिए, यहाँ की उनकी प्रिकॉशन मेजर लेने के लिए, साफ सफाई के लिए स्पेशल तौर पे अपनी फैक्ट्री से यहाँ औरंगाबाद से यहाँ पे भिजवाया है. हम उसकी व्यवस्था यात्रियों के लिए पूरी करें. उसके अलावा शुरू से ही गुरुद्वारा बोर्ड जो है साबुन और अच्छा जो पानी है हाथ धोने के लिए, पैर धो के ही अंदर जाने के लिए पहले ही ये सुविधा प्राप्त दे रहा है. परंतु ये कोरोना की वायरस के लिए और भी हमने ध्यान दिया है, डिटॉल साबुन, दूसरे प्रकार से सैनिटाइजर और जो स्पेशल तौर पे मिनहाज साहब ने अपनी फैक्ट्री से वहाँ से सैनिटाइजर 400 लीटर भेजा है उसको भी हम स्टाफ को डिपूट करके यहाँ पे यूज़ करवा रहे हैं, ताकि जो किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, उनके हाथ सजे रहें और कोरोना का इफेक्ट उन पर ना रहे और ना ही ये आगे फैल सके. इसके अलावा 5 प्यारे साहबान जथेदार साहब संत बाबा कुलवंत सिंह जी, समूह 5 प्यारे साहबान और प्रधान साहब, मीत प्रधान साहब बाबा जी और रविंदर सिंह जी सेक्रेटरी और जो लोकल मेंबर हैं उनकी तरफ से भी, बाबा बलविंदर सिंह जी की तरफ से जी परसों बाबा संत बाबा कुलवंत सिंह जी के साथ बेनती की गई कि अखंड पाठ साहब तख्त साहब पर रखा जाए और कोरोना जो वायरस है अकाल पुरख की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, राम जी की कृपा से ये कोरोना वायरस दूर हो. और जो सत्संग सरबत के भले के लिए कल हमने अखंड पाठ साहब जो 48 घंटे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ होता है उसको चालू किया है, जिसका भोग जो है कल 19 तारीख को सुबह 9 बजे पड़ेगा, जिससे महाराज कृपा करेगा ये कोरोना वायरस की बीमारी जो वो दूर हो जाएगी, सरबत का भला होगा, सभी को शांति. जिस प्रकार से बंगला साहब गुरुद्वारे में श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी ने चेचक की बीमारी दूर की थी, हमें भी पूरा अकाल पुरख कृपा करेगा ये कोरोना वायरस दूर हो जाएगा और सरबत का भला हो गया, सभी की तंदुरुस्ती होगी, जो पीड़ित हैं उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा. ये कामना करते हुए जो अखंड पाठ साहब कल रखा गया है उसका वाक आया था, सोठ मला पंजवा गुर पूरे चरनी लाया, हर संग साही पाइया, जहाँ जाइए तहाँ सोहेले, कर कृपा प्रमेले. ये होली बुक का पाठ रखने से पहले आया था, वो संतों को भी बताया गया है और अकाल पुरख कृपा करे कल इसका भोग पड़ेगा जिससे हमें पूरी राहत मिलेगी. इसके अलावा कर्मचारियों को जिलाधिकारी साहब के जो आदेश दिए हैं उसके प्रति भी पूरा सुचेत किया गया है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो गार्ड साहब जो दूसरे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं वहाँ के मैनेजरों को भी कल जिलाधिकारी साहब ने बुलाकर स्पेशल तौर पे पूरी सावधानियां बरतने के लिए, प्रिकॉशन लेने के लिए निर्देश हैं और अकाल पुरख कृपा करेगा कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी दूर होगी. हम आशा करते हैं कि यहाँ पे कोई नाम निशान ही नहीं रहेगा इस बीमारी का
और यही आशा करते हुए गुरुद्वारा बोर्ड के संत बाबा कुलवंत सिंह जी जथेदार साहब, समूह पांच प्यारे साहबान, प्रधान साहब भूपिंदर सिंह मिनहास, मीत प्रधान साहब गुरिंदर सिंह जी बाबा, सेक्रेटरी सर रविंदर सिंह जी बुंगई और सभी मेंबरों की तरफ से, सारे स्टाफ की मेंबर से तरफ की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, जनता के हम अपील करते हैं कि पूरा प्रकाशन लें और भगवान के जो शब्द दिए हुए हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर दिस है, उसका पाठ पूजा करें, जिससे ये हमें पूरी राहत मिलेगी। दा डीपी सिंह अकाल पुरख से यही अरदास भी करता है निजी तौर पे, और जैसे कि सभी पांच प्यारों ने मिलकर अखंड पाठ साहब भी रखवाया हुआ है, जिसका भोग पड़ेगा उसमें शामिल होकर अरदास करेंगे और महाराज कृपा करेगा हमें इससे राहत मिलेगी। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।